विटामिन ए आर यू एन सेन फोर सिक्स में हूँ अरुण साहर यानी आपका शक्तिमान। मॉर्निंग मोटिवेशन में आज हम सुनने वाले हैं एक ऐसी कहानी जो हमारी सोच को थोड़ा सा बदल देगी। थोड़ी सी सोच बदलना कई बार हमारे लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। ये कहानी है एक चरवाहे की। एक चरवाहा जो पशुओं को गाय भैंसों को चराता था, वो एक गाँव से दूसरे गाँव, दूसरे से तीसरे घूमता रहता था। वो ऐसे ही किसी गांव में गाय भैंसे चराते हुए पहुंचा और उसका एक नियम होता था और उन गांवों की एक परंपरा होती थी पुराने समय की कि चरवाहा जिस गांव से गुजरता था, जहां अंधेरा हो जाता था, वहीं वो रुकता था और उसी गांव में उसे खाना मुहैया कराया जाता था और वो वहीं रहता था। उसके अगले दिन वो किसी अगले पड़ाव पर चलता था। तो जैसे ही वो एक गाँव के पास पहुँचा, शाम होने लगी, धूल उठने लगी, जिसे वो धूलीवेला कहते हैं। तो जैसे ही शाम हुई तो वो उस गांव में ठहरा और वहां बैठा बैठा वो कुछ गुनगुना रहा था, गा रहा था। गांव में किसी ने उसे गुनगुनाते हुए सुना और सरपंच को खबर दी कि एक चरवाहा है और वो गाना बहुत अच्छा गाता है। तो सरपंच ने क्या किया, उस चरवाहे को बुलावा भेजा और उसे कहा कि आज हम सब गाँव वाले मिलकर तुम्हारा गाना सुनना चाहते हैं। और वो पूर्णिमा की रात थी। चांदनी रात का जिक्र इसलिए किया गया है इस कहानी में क्योंकि उसमें क्या है, गाँव की चौपाल में सारा गाँव बैठ के वो गाना सुन सकता था। खैर, महफिल जम गई, पूरा गांव घेरा बना के बैठ गया और बीच में सरपंच का परिवार और सरपंच और सामने बिल्कुल बैठ गया चरवाहा। उसके हाथ में एक तारा भी था। उसने गाना गाया और इतना अच्छा गाना गाया कि सारे गांव वाले खुश हो गए, गदगद हो गए और सरपंच की खुशी का ठिकाना ही नहीं। सरपंच इतना खुश हुआ कि उसने वादा कर डाला कि यह चरवाहे, तुझे अगर कुछ चाहिए तो बता, मैं वादा करता हूँ कि तुझे जो चाहिए वो मुराद पूरी करूँगा। चरवाहे ने कहा कि नहीं, मुझे खाना मिल गया, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो सरपंच ने उस पर दबाव दिया कि मैं अपना वचन देता हूँ, तू जो मांगेगा वो मैं तुझे दूंगा। तो पुरानी कहानियों में अक्सर ऐसी बातें होती हैं कि जब कोई वचन देता है तो उस वचन को तोड़ा नहीं जा सकता। तो चरवाहे ने कहा कि चरवाहा जब गाना गा रहा था तो सरपंच के पीछे उनकी बेटी बैठी हुई थी। चरवाहे ने उसे देख लिया और उसे कहा कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। सरपंच आग बबूला हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है, गांव-गांव भटकने वाला एक चरवाहा मेरा दामाद कैसे बन सकता है, वो मेरी बेटी से शादी कैसे कर सकता है। सरपंच को चिंता हुई। पहली चिंता तो ये हुई कि वो वचन दे बैठा, दूसरी चिंता ये हुई कि भविष्य कैसा होगा, कहीं मैंने गलती तो नहीं की, पूरे गाँव वालों के सामने वचन दिया उसने। तो सरपंच ने बुद्धिमानी से काम लिया। सरपंच बहुत इंटेलिजेंट था। सरपंच जानता था कि मुझे इसकी परीक्षा लेनी पड़ेगी, मुझे पता लगाना पड़ेगा कि ये चरवाहा बुद्धिमान है या नहीं है। तो सरपंच ने कहा कि हाँ, मैं मानता हूँ कि मैंने वचन दिया है, लेकिन मेरी एक शर्त भी है, क्योंकि मैं एक लड़की का पिता हूँ तो मेरी एक शर्त होगी। चरवाहे ने कहा कि ठीक है, बताइए आपकी क्या शर्त है। तो सरपंच ने कहा कि कल सुबह होते ही गाँव से बाहर एक बड़ा मैदान होगा और उसमें एक बंद कमरा होगा, उसमें तीन सांड होंगे। एक एक करके सांड को छोड़ा जाएगा, जिसमें तीन सांड में से एक सांड है वो बहुत तकड़ा होगा, खतरनाक होगा, बलशाली होगा, दूसरा सांड है वो उससे कमज़ोर होगा और तीसरा उससे कमज़ोर होगा। तुम्हें उनमें से किसी भी एक सांड की पूंछ को हाथ लगाना है, किसी भी एक सांड की पूंछ को। उसने कहा ठीक है, देखते हैं। खैर, सुबह हुई। सुबह होते ही पूरे गांव का झमघट उस मैदान में लग गया और मैदान के बिल्कुल बीचों बीच चरवाहा, एक साइड में सरपंच और उसका परिवार। जैसे ही कमरे का गेट खोला गया, एक तगड़ा सा सांड वहां से दौड़ता हुआ आया, धूल उठाता हुआ, सींगों को घुमाता हुआ। अब चरवाहे को पता चला कि अगर मैं ना हटा तो ये मेरी जान ले लेगा, जान है तो जान है। चरवाहा एक साइड में हो गया, अच्छी बात थी, उसकी जान बच गई। उसके बाद दूसरे सांड का वेट किया गया। जब गेट खोला गया दूसरे सांड के लिए, तो दूसरा सांड सच में ही उससे कमज़ोर था। चरवाहे ने सोचा कि सच में वो सांड की स्पीड भी धीमी थी, वो चल के आ रहा था और उससे कमज़ोर भी था। अचानक चरवाहे के मन में एक बात आई कि पहला सांड बहुत ताकतवर था, दूसरा कमज़ोर था, तीसरा तो और भी कमज़ोर होगा, तो मैं तो तीसरे सांड का वेट करूँगा, मुझे ये मौका भी नहीं चाहिए। उसके बाद गेट खोला गया। अब आप बताइए, तीसरा सांड कमज़ोर था या सबसे कमज़ोर था या ताकतवर था? बिल्कुल जैसा कि वादा किया गया था, तीसरा सांड इतना कमज़ोर था, पसलियाँ निकली हुई थी, नाक बह रही थी, इतना कमज़ोर था कि वो बहुत ही धीमे धीमे आते हुए उस चरवाहे के आगे रुक गया मैदान के बीचों बीच।
दूसरे सांड को पूंछ को इसलिए चरवाहे ने छुआ नहीं था क्योंकि उसने सोचा कि तीसरा सांड तो और भी कमज़ोर आएगा तो मैं तो उसकी पूंछ पकड़ूंगा। और जब वो तीसरे सांड के पीछे गया तो उसे पता चला उसकी तो पूंछ ही नहीं है। उसने सरपंच से कहा कि सरपंच साहब इसकी तो पूंछ ही नहीं है। तो सरपंच ने कहा ये गारंटी हमारी नहीं है, हमने तो कहा था कि तीन सांड में से एक सांड की पूंछ को टच करना है, तुम पहले में रिस्क ले सकते थे कोई बात नहीं, दूसरा तुम्हारे सामने आराम से गुजरा था खूंखार भी नहीं था, लेकिन तुमने तीसरे सांड का वेट किया यानी तुम आलसी थे यानी तुम्हारे मन में खोट था। तो इस तरीके से सरपंच ने बड़ी इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता से काम लिया और अपने परिवार को बचाया। ऐसा हमारी ज़िंदगी में भी होता है, जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो ये मान के चलते हैं कि कई बार पहला अटैम्प्ट होता है, बहुत मेहनत की होती है तो पास हो जाता है। मान लो किसी बच्चे से पहली बार अटैम्प्ट में कोई पेपर पास नहीं हुआ तो आप उसे बहुत ताकतवर सांड मान सकते हैं और आप तैयार हो गए कि हाँ पेपर ऐसा आता है। दूसरा सांड होता है वो हमारे पास मौका होता है, यानी पहले पेपर में हमने जो गलतियाँ की, चाहे वो हमारी व्यवहारिक गलतियाँ हो सकती हैं, हम कम पढ़े हों, हमने पढ़ाई पे ध्यान ना दिया हो, या कुछ विषयों को ढंग से नहीं पढ़ा हो, या कुछ सवालों को हमने इग्नोर कर दिया हो जो हमें सीखने चाहिए थे कुछ सब्जेक्ट को, लेकिन उसने दूसरे चांस को नहीं चुना, उसने तीसरे चांस का इंतज़ार किया। इसे आलस बोलते हैं। कई बार हमें भी नहीं पता होता कि हम तीसरे चांस का इंतज़ार कर रहे हैं। और गौर कीजिएगा, तीसरे सांड को पूंछ नहीं थी। तो हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है कि हम कई बार लगातार अटैम्प्ट करते हैं और पता चला बाद में अटैम्प्ट में कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई हम एग्ज़ाम ही नहीं दे पाए, या फिर हमारी एग्ज़ाम देने की उम्र ही नहीं रही। तो एक चीज़ हमेशा ध्यान रखें, आज है बेस्ट है, इसी में ध्यान रखिए। ये जो एग्ज़ाम है इनकी पूंछ आज ही पकड़ लीजिए, क्या पता इनकी कल पूंछ हो या ना हो। जितनी मेहनत करनी है सबके लिए एक साल होता है। अब बच्चा कहता है सर पोस्ट कम होती हैं, कैंडिडेट ज़्यादा होते हैं, पढ़ा हुआ हमेशा काम आएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा, चाहे वो कोई सा ही एग्ज़ाम हो। एग्ज़ाम बहुत होते हैं, सीटेट होते हैं, यूपीएससी होता है, पीसीएस होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, रेलवे होता है, पटवारी के एग्ज़ाम होते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के एग्ज़ाम हैं। तो उम्मीद है आज की कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि जो वक्त हमारे पास है हमें उसी वक्त पर हमला बोलना चाहिए। ये जो वक्त है, ये जो एग्ज़ाम है, ये एक सांड की तरह हैं और इनकी पूंछ है हमारी तैयारी। तो हमें बाद वाले की वेट नहीं करना है कि सबसे कमज़ोर सांड आएगा हम उस पर हमला करेंगे, आज ही अच्छे से तैयारी कर देनी है लगातार। मिलते हैं ऐसी किसी स्टोरी के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।